हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट VXI ऑप्शनल वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस ट्रिम में हमें कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं और जो इसको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। यहाँ पे फ्रंट में कोई भी क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल ग्रिल में नहीं किया गया है। वहीं इसका हेडलैम्प सेटअप देखें तो स्मोकी फिनिश के साथ हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैलोजन में दिए गए हैं। यहाँ पे DRL की जगह एक डमी क्रोम एलिमेंट लगाया गया है। नीचे की तरफ फॉग लैम्प नहीं मिलती है जो कि आप एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। ब्लैक पोर्शन के साथ एक्सटेंडेड बम्पर देखने को मिल जाती है, तो इसका फ्रंट लुक ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। चलिए मूव करते हैं कार के साइड लुक की तरफ। तो साइड में आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद व्हील कवर। इस ट्रिम में कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है और आपको पैसिव एंट्री का बटन देखने को मिल जाता है डोर हैंडल पे। ORVM पे आपको टर्न सिग्नल देखने को मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM होने वाले हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ 3.8 मीटर है और प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी लंबी है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm देखने को मिल जाती है जो कि एम्पल स्पेस इंटीरियर में प्रोवाइड करती है। चलिए मूव करते हैं कार के बैक लुक की तरफ। तो बैक में आपको LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है जो कि अगेन स्मोकी फिनिश के साथ आती है जो कि फ्रंट से रिजेंबल करती है। साथ में रियर डिफॉगर भी देखने को मिल जाते हैं। 4-point पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं बट विदाउट कैमरा। यहाँ पर इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है जो कि थोड़ी कम है। चलिए अब कार के इंटीरियर की तरफ मूव करते हैं। तो इसका इंटीरियर सिंगल टोन फिनिश के साथ है। ऑल 4 पावर विंडोज़ देखने को मिलते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका स्टेयरिंग टिल फंक्शनिंग के साथ आती है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इस कार में आपको पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। साथ में जो MID सेमी डिजिटल देखने को मिलते हैं जिसमें आपको जरूरी इन्फो सभी कुछ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 7 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। नीचे की तरफ मूव करें तो आपको मैनुअल AC देखने को मिलता है, हालांकि इसके कंट्रोल्स डिजिटल दिए गए हैं जो कि थोड़े ऑटोमेटिक AC की फील दिलाते हैं। और नीचे की तरफ मूव करने में आपको 5-speed का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है। फ्रंट में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, एसेसरीज के रूप में लगवा सकते हैं। तो इसका फ्रंट ओवरऑल सॉर्टेड है। ऊपर की तरफ मैनुअल IRVM एंड रीडिंग लैम्प मिल जाती है। यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स हैं उसमें हाइट एडजस्टमेंट हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर फ्रंट सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है। पीछे की तरफ मूव करते हैं तो पीछे में आपको रियर AC वेंट्स नहीं देखने को मिलते हैं, हालांकि ऑल 4 पावर विंडोज देखने को मिल जाते हैं। और पीछे के जो सीट्स हैं उसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि एक बुरी बात है। पीछे में जो स्पेस है उसको लेकर आपको कोई भी कमी नहीं होने वाली है। चलिए मूव करते हैं कार के बूट स्पेस की तरफ। तो यहाँ पे आपको 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है और इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो फ्रेंड्स, ये था ऑल न्यू स्विफ्ट VXI ऑप्शनल का एक छोटा सा रिव्यू। इसकी ऑन रोड प्राइसिंग आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये कार आप ओन करते हैं तो इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।